अस्सलाम वालेकुम आज आप सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी किस्म का चिकन फ्राई बिल्कुल देसी स्टाइल से तो इसके लिए मैंने चार लेग लिए हैं और चार विंग्स लिए हैं आप अपनी पसंद से सिर्फ लेग और विंग्स भी अलहदा से ले सकते हैं ठीक है आप अपनी मर्जी का चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने इसमें इतना पानी शामिल किया है कि पूरा चिकन हमारा इसमें अच्छे से डिप हो जाए और इसमें वन टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल करना है और इसको मिक्स करना है और एक घंटे के लिए अगर गर्मी है तो इसको फ्रिज में रख दें अगर सर्दी है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं कवर करके ठीक है नमक को इसमें अच्छे से शामिल कर लिया लेग्स को आपने कट लगा लेने हैं क्योंकि लेग्स को टाइम लगता है फ्राई होने में अंदर से ब्लड ना रहे उसमें और विंग्स को कट लगाना जरूरी नहीं है वो वैसे ही बहुत जल्दी से गल जाते हैं अब इसको मैं रखूंगी फ्रिज में एक घंटे के लिए अब एक घंटे के बाद निकाल लिया है मैंने चिकन को और इसमें जो पानी था वो हम वेस्ट कर देंगे उसको वॉश नहीं करना है दोबारा से एक छोटी चम्मच ली है मैंने लहसुन पेस्ट की और एक छोटी चम्मच ली है मैंने अदरक पेस्ट की ठीक है और इसमें वन टी डालेंगे हम नमक या हसब ज़रूरत आप शामिल कर लीजिएगा और इसमें एक पूरा लेमन निचोड़ देंगे एक बड़े साइज़ का अच्छे साइज़ का लेमन ले लीजिएगा एक वो निचोड़ा है मैंने इसमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मसल लेंगे अगर आप रखना चाहें तो उसको 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं वरना इसमें डायरेक्ट बाकी सारे मसाले भी शामिल कर सकते हैं वन टी डाला है कुटी हुई काली मिर्च का और इसमें वन टेबल स्पून डाला है मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ और हाफ टेबल स्पून डाला है लाल मिर्च पिसी हुई का वन टी डाला है इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर और वन फोर्थ टीस्पून डाला है इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर कसूरी मेथी शामिल की है सूखी हुई वन फोर्थ टी स्पून और दही शामिल किया है टू टेबल स्पून आपका य, जो दही है ये गाढ़ा होना चाहिए पानी वाला मत लीजिएगा वरना वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो जाता है हमारा चिकन एक अंडा फेंट के शामिल किया है वन टेबल स्पून डाली है इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेगी तो इसमें आपको थोड़ा सा जरदा कलर डालना पड़ेगा अगर आप चाहें तो वरना ऐसे भी आप फ्राई को कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा देखें इसमें मिक्स कर लेंगे इसको एक बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मिसाले जो हैं वो यकजा हो जाए और चिकन देखें अभी भी थोड़ा सा मुझे कलर लाइट लग रहा है तो इसमें मैंने दो चुटकी जर्दे का रंग डाला है ताकि इसमें बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए इसमें मैंने टू टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और टू टेबल स्पून आ, मैदा शामिल किया है जब मैंने टू टेबल स्पून मैदा शामिल किया था तो वो वीडियो वहाँ से रिकॉर्ड नहीं हो सकी तो आप प्लीज़ टू टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और टू टेबल स्पून मैदा शामिल कर लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा अगर हम जो योगर्ट है वो पानी वाली लेते हैं जैसे पतली सी लेते हैं तो हमें कॉर्नफ्लावर और मैदा ज़्यादा शामिल करना पड़ता है इसका अच्छा सा कोट करने के लिए जाके इसकी अच्छी सी कोटिंग हो सके तो वो हमें नहीं चाहिए हमें बहुत मोटी वाली लेयर नहीं चाहिए मैदे और कॉर्नफ्लावर की बड़ी हल्की सी हमें लेयर चाहिए और वो क्रिस्पी भी होनी चाहिए तो उसके लिए मैंने इसलिए गाढ़ा दही लिया था आपने बिल्कुल पतला वाला दही नहीं लेना है अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अगर हो सके तो इसको आप ओवर रख सकते हैं तो रख लीजिए देख सकते हैं आप कितनी अच्छी कोटिंग हुई है बहुत थिन लेयर आई है चिकन के ऊपर तो बहुत मोटी वाली लेयर नहीं है कम से कम आप इसको दो घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा अब मैंने एक सॉस पैन में ऑयल लिया है आपका सॉस पैन छोटा हो तो ज़्यादा बेटर है आप कम कम करके फ्राई कर लीजिए अगर आप ज़्यादा पीसेस को फ्राई कर रहे हैं एक टाइम में तो आप बड़ी कढ़ाई में भी कर सकते हैं तो इस तरह से आपका ऑयल भी कम खराब होता है और अच्छे से चीज़ भी फ्राई हो जाती है तो ये देखिए मैंने अभी लेग्स डाले हैं पहले सिर्फ और जब ये बबल सेट हो जाएंगे तो इसको मैं कवर करके चार से पाँच मिनट के लिए फ्राई करूँगी मीडियम आंच पर ढक्के पकाने से बड़ी अच्छा अंदर से चिकन रहता है जूसी रहता है और इसमें बिल्कुल ब्लड होने के चांसेस नहीं रहते अब इसको क्रिस्पी कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी ऐसे वन कोटिंग के करने के वन टाइम फ्राई करने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर चिकन पड़ा रहे तो वो थोड़ा सा सॉगी हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले इस चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे और अब मैं इसमें विंग्स डालूंगी क्योंकि विंग्स का जो फ्राइंग टाइम है वो कम है तो विंग्स को पहले उसी उसी तरीके से फ्राई करेंगे यानी कि जब इसके बबल्स ये जो हैं ये सेट हो जाएंगे फिर इसको कवर करेंगे ताकि ऑयल जो है वो बबल्स बनने की वजह से बाहर ना निकल आए ठीक है आपने ऑयल बहुत ज़्यादा भी फुल नहीं लेना है बर्तन में तो इसको भी इसी तरह से मैंने तीन मिनट के लिए फ्राई किया है मैंने लेग्स को पाँच मिनट के लिए और विंग्स को तीन मिनट के लिए सिर्फ फ्राई किया है क्योंकि हमने इसको दोबारा से फ्राई करना है तो क्या होगा बड़ी ही अच्छी क्रिस्पी लेयर आएगी हालांकि हमने बहुत थिन लेयर दी है इसके ऊपर कोटिंग की अब जो हमने चिकन फ्राई किया था अब इसको हम दोबारा से एक मिनट के लिए फटाफट से फ्राई कर लेते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ गया था रखने से थोड़ी देर चिकन को तो वो मॉइस्चर जो है वो दोबारा से हम तेज़ आंच पे जब इसको फटाफट से फ्राई करेंगे पनतीस से पैंतीस सेकंड के लिए बस तो वो जो होगा वो जल्दी से इसमें से निकल जाएगा और बड़ा अच्छा हमारा क्रिस्पी चिकन रहेगा और काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी ही रहेगा इसी तरह से हम विंग्स को भी बीस सेकेंड के लिए बस फटाफट तेज़ आँच पर फ्राई करेंगे और हमारा चिकन रेडी हो जाएगा अगर तो हमारी कोटिंग थोड़ी मोटी होती तो हमें थोड़ा ज़्यादा फ्राई करने पड़ता है उसके मॉइस्चर को खुश करने के लिए विंग्स को भी मैंने निकाल लिया है और बहुत ही मज़े के विंग्स बनते हैं बहुत ही मज़े के लेग बनते हैं ये जरूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे रखिएगा याद इसके साथ ही इजाज़त दीजिए दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़